आप दोनों के लिए मैं कोकोमो लेके आई हूँ, आप लोगों ने ये सुबह खाने शेयर करके, ठीक है? और ये फुल पैक जो है ना वो किसी एक बच्चे ने नहीं खाना, आप दोनों ने शेयर करके खाना, ठीक है? चलो अब आप दोनों सो जाओ, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा चलो, शुक्र है अभी सो गई। अगर ये उठी होती ना तो ना मैं ना खा पाती सारे। अब मैं जल्दी से ना उठ के सारे को खा लेती हूँ ताकि ना सुबह मुझे इसमें शेयर। सारा खा लिया, सुबह किसी के साथ भी शेयर नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी मम्मा तो सो रही, मम्मा को क्या पता चलेगा जब अब इसके साथ सुबह शेयर करने की बारी आएगी और मम्मा पूछेंगी ना कि कहाँ गए, कहूँ मुझे नहीं पता, अब शेयर खा लिया होंगे। अबे क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या हुआ आपको? मैं सो रही थी, मैं सोते में उठ के आई हूँ, क्या हुआ? दांत में दर्द हो गई साले। क्यों आपके दांत में क्यों दर्द हो रही है, क्या हुआ आपने? सारी उम्र मैंने सारी कोको जब रात को अभी सो गई थी सारे अकेले खुद ही खा लिए। देखा मैंने आपको मना किया था ना कि आपने रात को कोकोमा नहीं खाने, आपने लालच की कि मुझे बहन के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा और मैं अकेले खा लूं। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला होती है और बांटने से हमेशा चीज बढ़ती है, कम नहीं होती है। चलो उठो, मैं आपको दवाई दूं और आइंदा से ये सॉरी मम्मा, आइंदा से मैं कभी लालच नहीं करूंगी और हमेशा बहन भाई छोटे बहन भाई के साथ बांटूंगी। आए और अब सुबह मैं जाऊंगी साइकिल पे और अपनी पॉकेट मनी से पूरा पैकेट अमरीश के लिए खुद खरीद के लाऊंगी और उसके साथ मिलके खाऊंगी। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही आपको करना चाहिए। कहते हैं हमेशा बुजुर्गों का कहना है लालच बुरी बला है और बांटने से चीज कभी कम नहीं ज्यादा होती है। तो हमेशा आपके पास जो भी चीज हो, जितनी भी हो, हमेशा दूसरों से बांट कर खाएं, ठीक है ना? चलें अब आए मैं आपको दवाई दे दूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस कहानी से आपने क्या सीखा कि लालच बुरी बला होती है। प्लीज।